उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति पर चल रही संस्कृति के रंग नामक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में हम अवध क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों को जानने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है जोगिनी नृत्य का। जोगिनी नृत्य आमतौर पर पुरुष नर्तकों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष इस नृत्य में महिलाओं के भेष को धारण करते हैं। इस नृत्य को रामनवमी की संध्या पर किया जाता है। अवध क्षेत्र के एक और महत्वपूर्ण नृत्य है कलाबाजी। कलाबाजी में नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर नृत्य करता है। इस नकली घोड़े को कच्छी कहते हैं। कच्छी पर बैठकर नर्तक मोर बाजा नामक एक वाद्य यंत्र भी बजाता है। अवध क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण नृत्य है ठेठिया या ढेढ़िया। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब 14 बरस का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे तो यह नृत्य किया गया था। इस नृत्य के दौरान नर्तक अपने सिर पर दीपकों से भरा हुआ एक छिद्रदार मिट्टी का बर्तन रखते हैं और इस बर्तन को ही ढेढ़िया कहा जाता है। ये तो थे अवध क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य। हमारे अगले एपिसोड में हम मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में जानेंगे।